जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जुड़े रहे हैं, ये अभी दिल्ली से आ रहा है एक ट्रेन। ये मेरा कोरोना से पहले और कोई सफ़र नहीं किया हूँ, ये मेरा पहला सफ़र है जम्मू तवी से छत्तीसगढ़ का। ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ जा रहा है छत्तीसगढ़। तो आइए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर सीढ़ी है और हमारे पीछे लगा है दिल्ली से जम्मू ये रेलवे आया है। कोविड-19 के बाद ये मेरा पहला सफ़र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको दिखाता हूँ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन सर आप कहाँ से जाएँ? यहाँ से इनको एक्सपीरियंस हो गया आकर, और मैं जा रहा हूँ अभी छत्तीसगढ़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रास्ता है, यहाँ मार्ग है। यहाँ पर सावधान कैप्शन लिखा है 25,000 वोल्टेज का, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी रेलवे, अभी रात का समय है इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बात करें जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का, तो यहाँ काफ़ी भीड़ कम है पहले के वजह से, जैसे कोविड-19 के बाद यहाँ पर भीड़ कम है। देख सकते हैं यहाँ एक कंबल, काफ़ी ठंड है यहाँ पर इसीलिए दोस्त कंबल लेकर जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं आप सीढ़ी के जरिए नीचे उतर रहे हैं, देखिए वो काफ़ी ठंड है यार। आप कंबल, ये देखो मास्क अभी निकाल चुके हैं, लेकिन आप वीडियो बनाने के लिए मास्क निकाले हैं, इसके बाद हम फिर से लगा देंगे। अब वो दिखाते हैं, और यहाँ पर चार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर कोविड-19 के बाद बहुत शोर शराबा बिल्कुल कम हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये अभी हम रेलवे स्टेशन खड़े हैं प्लेटफार्म नंबर 2 जम्मू तवी में, और अभी आज महाशिवरात्रि का दिन है, यहाँ पर थोड़ी हल्की बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप। और ये दोनों जा रहे हैं बैग लेकर, ये भी जा रहे हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं काफ़ी कोविड-19 के बाद यहाँ पर बहुत अच्छे सफाई हो चुके हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पर, जम्मू तवी टू बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़। हमारा ट्रेन है रात को 12 बजे उसलापुर। ट्रेन नंबर कितना है भाई बताइए, उसलापुर का ट्रेन नंबर कितना है? 082-16 082-16 है, याद कर लीजिए, जम्मू तवी से उसलापुर रात का सफ़र है। लेकिन हमें बिल्कुल ठंड लग रहा है, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर स्वेटर लगाए हैं। बाकी फ़ोन किए थे दोस्तों को, वहाँ बोल रहे थे छत्तीसगढ़ में भी गर्मी है, थोड़ा थोड़ा ठंड है यहाँ पर जम्मू में, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमने खाने का जो चीज़ है उसको हम दुकान से ले आए, यहाँ पर काफ़ी महंगा होता है इसलिए। और हमारे दोस्त बोल रहे हैं खाना उना खाने के लिए थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, तो देखती रही यहाँ पर हमारे इसमें, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, तो आप बेहिचक यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। यहाँ से वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए आ सकते हैं आप भी। देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास अभी एक रुमाल और एक मास्क है, इसको हम बाद में ही लगाएंगे, और देखते रहे इस। देखिए अभी बारिश हो रहा है, और यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई हुआ है पहले की ओर से, जैसे कोविड-19 हो उसके बाद से यहाँ काफ़ी सफाई हुआ है। पहले कहीं पर कूड़ा फेंका हुआ था, कभी पर चिप्स का पैकेट फेंका हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल सफाई हो चुका है। तो आप भी ध्यान रखें यहाँ पर, कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन के मार्ग पर प्लेट कुछ खंदा खाकर ना फेंके। अब देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अभी यात्री नहीं है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम विश्राम करते हैं, देखिए अनाउंसमेंट चालू हो चुका है, देखिए जो अभी डोगरी भाषा में बोल रहे हैं, देख सकते हैं हमारे साथ जाने वाले ये दोनों। बाद में फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं, अभी के लिए हम भोजन करते हैं, ये हम यहाँ पर विश्राम करेंगे, देख सकते हैं आप। तब तक